Hello everyone, welcome back to my channel. This is me, Kriya, and in today's video I'm going to share with you all that how I completed my 4000 watch hours. So जानने के लिए प्लीज एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा कि कैसे मैंने 4000 घंटे जो है कंप्लीट किए मेरे यूट्यूब चैनल के. सो जो मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था वो मैंने किया था 2022 जुलाई में स्टार्ट किया था, और जो मेरा चैनल कंप्लीट हुआ है वॉच आवर्स वो हुआ है 2023 में, मतलब कि इस साल जुलाई में ही वो कंप्लीट हुआ है. तो मैंने भी बाद में नोटिस किया कि एक साल का प्रॉपर टाइम पीरियड लगा है चैनल के वॉच आवर्स कंप्लीट होने में. अभी जो सब्सक्राइबर्स है 1000 वो मेरे अभी कंप्लीट नहीं हुए, बट मेरा वॉच आवर्स कंप्लीट हो गया. तो मैं ज़्यादा खुश थी इसके लिए, क्योंकि वॉच आवर्स कंप्लीट होना थोड़ा सा टाइम लगता है. सब्सक्राइबर्स तो हम बढ़ा लेते हैं किसी से करवा के, बट वॉच आवर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. तो मुझे था कि वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो आप करवा नहीं सकते किसी से. हुआ कैसे मैं आपको पूरा बताती हूँ कि एक्चुअली मैंने कब स्टार्ट किया था और कैसे 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 मेरी वीडियो कौन सी चली, किससे मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट हुए. तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा चैनल तो 2022 में, तो मैंने फर्स्ट व्लॉग से स्टार्ट किया था. मैं व्लॉग्स वगैरह डालती थी अपने, मैं गाँव में थी तो मैंने गाँव में ही स्टार्ट किया था. तो मैंने व्लॉग वगैरह डालना स्टार्ट किया, डेली व्लॉग या फिर 2-4 दिन के गैप में, हालांकि डेली के हिसाब से था, बट 2-4 दिन कभी या कभी मूड नहीं है तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया. तो फर्स्ट वीडियो पे मेरे 100 व्यूज़ आ गए थे, बट उसके बाद किसी भी मेरे सेकेंड वीडियो पे 100 व्यूज़ भी कम्प्लीट नहीं होते थे. बट मैंने सोचा कि नहीं यार, गिव अप तो नहीं करना है, घर बैठे काम है और कर ही कह सकते बच्चे के साथ. तो देन मैं मुंबई आ गई, देन मुंबई आके मैंने वापस से व्लॉग्स बनाने शुरू किए. उनका भी वही हाल था, थोड़े थोड़े व्यूज़ आ रहे, तो मूड ख़राब होता था, बट स्टिल मैं सोचती नहीं यार, बनाना तो है, करना तो है. देन मैंने एक ये अपना घर जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ, अपना घर सोसाइटी में, तो यहाँ का मैंने एक व्लॉग डाला था. वो भी नॉर्मली था पहले, उस पर भी बहुत कम व्यूज़ थे, आई थिंक अंडर 100 ही व्यूज़ थे. बट कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा चलना चालू हुआ, जिसके मुझे लोगों के कमेंट्स आने लग गए इस पर. अच्छा, ये मतलब लोगों को इंटरेस्ट आया इस वीडियो में और कमेंट्स आने लग गए, तो 1-2 कमेंट और धीरे 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 बहुत ही स्लोली वो वीडियो थोड़ी सी चलने लग गई. तो जब वो वीडियो ने कंप्लीट किया 1000 व्यूज़, तो मैं बहुत खुश थी कि अरे कोई तो मेरा वीडियो एकदम 1000 गया है और कोई वीडियो चल रही है मेरी. और उस पर थोड़े बहुत जो मेरे आई थिंक 60 सब्सक्राइबर्स थे अटके हुए थे, वो बढ़ भी नहीं रहे थे, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा था. तो उस वीडियो के चलने से थोड़े मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, 100 कंप्लीट हुए, उसके बाद धीरे 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 थोड़े थोड़े बढ़ते गए. देन ऐसे ही मैं मुझे लगा शायद अपना घर के वीडियोस चल रहे हैं. देन मैंने अपने जो रूम, मेरे रूम में जो भी मैंने काम करवाया था उसका मैंने एक ब्लॉग डाला था कि मेरे घर में मैंने क्या क्या काम करवाया है. देन सेकेंड वो वीडियो मेरी थोड़ी सी चलने लगी. देन मुझे आइडिया मिला कि लोगों को शायद ये प्रॉपर्टी वाइज जो या जो भी घरों के अंदर काम होता है ये, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाया. देन मैंने एक प्रोफेशनली अच्छे से विद माइक, जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है विद माइक, मैंने एक प्रॉपर मेरा एक होम टूर कराया. और मैंने जैसे फ्लैट बहुत छोटा सा है, तो छोटे घरों में काम लोग कैसे एडजस्ट करें, कैसे इंटीरियर करें जिससे उनका पूरा जो सामान हो शिफ्ट हो सके, तो मैंने सोचा कि लोगों को होम टूर कराती हूँ कि छोटे से घर में आप कैसे सब मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो मैंने वो होम टूर कराया. जो मेरी वीडियो जब मैंने डाला था आई थिंक आज से 3-4 महीने पहले, और अभी वो वीडियो आई थिंक 85,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है. जो मेरे वॉच आवर्स है 4000 वॉच आवर्स वो कंप्लीट हुए, सिर्फ उस वीडियो की वजह से नहीं, बट वो भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो यही था जिसकी वजह से मेरा जो होम टूर है मेरे घर का, उसकी वजह से मेरे वॉच आवर्स जो है वो कंप्लीट हो सके. तो एक मैसेज ये भी मैं देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आप कुछ रेगुलरली डाल रहे हो और नहीं चल रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको हटके नहीं करना. कितने यूट्यूबर्स का मैंने सुना है कि आप सब खिचड़ी मत पकाओ. हाँ, आप खिचड़ी मत पकाओ, बट एटलीस्ट उससे थोड़ा सा शिफ्ट होके कुछ और भी आप ट्राई कर सकते हो. जैसे मैंने सोचा कि अभी आई थिंक मेरा पेज और आई थिंक मेरा जो चैनल है अभी ये एक प्रॉपर्टी चैनल बन चुका है. लोग ज़्यादातर इस पर प्रॉपर्टी से इंटरेस्टेड लोग इस पर आते हैं और कमेंट करते हैं, या फिर उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही उनकी जो क्वेरीज रहती है उसी से रिलेटेड रहती है. तो मैं आप लोगों को वही एक मैसेज देना चाहूँगी, एक सजेशन, कि अगर आपका चैनल किसी चीज़ का पर्टिकुलर है और नहीं चल रहा है, तो आप शिफ्ट होकर कुछ और ट्राई कर सकते हो.
दे सकते हो कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, आप लोग भी कुछ चीज़ें और ट्राई करिए और पेशेंस रखिए जैसे मैंने रखा। और मेरा वॉच आवर कम्प्लीट हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, एटलीस्ट मेरे वॉच आवर हुए। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी 1000 कम्प्लीट नहीं हुए, 750 समथिंग है, तो आई होप वो भी जल्दी से हो जाए। और उसके बाद में मेहनत तो चालू ही है, लेकिन मैं कुछ टाइम से नहीं डाल रही क्योंकि मैं इधर मुंबई आई हूँ और मुंबई में थोड़ी सी मैं उलझ गई हूँ चीज़ों में। तो मैं आई थिंक उसके बाद मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है मुंबई आने के बाद। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा जैसे मेरे साथ हुआ। ये बात मेरे लिए भी है कि मेहनत करते रहूँ मैं। और हाँ, आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। और आज की वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड या और भी कुछ जानना है इससे रिलेटेड, तो और भी कुछ आपको अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।